दोस्तों इस समय हम लोग जुड़ रहे हैं जयगांव के गोपी मोहन खेल मैदान से और आप सभी के समक्ष दृश्य साझा कर रहे हैं। जयगांव विंटर एक्सपो मेला 2022 का आज शुभ आरंभ हो चुका है और आज के इस उद्घाटन समारोह में कालचीनी पंचायत समिति के सभापति अरुणा परियर के हाथों द्वारा आज रिबन काटकर इसका उद्घाटन किया गया और काफ़ी सारे अतिथिगण इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। दोस्तों इस समय सीधा दृश्य आप सभी को गोपी मोहन खेल मैदान से लेके आ रहे हैं और जहां पे उद्घाटन समारोह में विभिन्न अतिथिगणों को भव्य रूप से स्वागत किया गया और आज इस कार्यक्रम के जरिए सभी को इस मेला विशेष के बारे में जानकारी दी गई। आप सभी को बता दें दोस्तों कि काफ़ी समय से लोगों को मनोरंजन करने के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, काफ़ी लोग लॉकडाउन के प्रक्रिया से गुजरे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए आयोजक कमेटी ने विंटर एक्सपो मेला का आयोजन किया गया है, जिससे कि जयगांव वासियों के साथ साथ पड़ोसी मित्र देश भूटान के भी लोग यहां पे आके मनोरंजन का लाभ उठा सकेंगे, मेला का लाभ उठा सकेंगे। और आप सभी के समक्ष दृश्य साझा कर रहे हैं, चलते हैं अधिक जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं। गोपी मोहन मैदान में हम लोग जयगांव विंटर एक्सपो कमिटी का भाई जो मेला को आयोजन गरेको छ हामीहरूलाई निम्ताउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूलाई। हामी जयगाउँ फायर ब्रिगेड एरोसी हामी এখানে আসতে পেরে শুভ উদ্বোধনে মেলার কমিটির পক্ষ থেকে নিজেকে ধন্যবাদ মনে করি, ভালো মনে করি এবং আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাই এতে মেলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা হয়। সেই সাথে সাথে আমি একটাই কথাই মেলা কমিটিকে বলবো যে ফায়ার সার্ভিসের তরফ থেকে যে ফায়ার সেফটি মেজারগুলো রাখতে বলা হয়েছিল সেগুলো যেন থাকে। মেলাতে সমস্ত লোক আসবে, বিভিন্ন রকম স্টল আছে, খাবারের স্টল, কুকিং রান্না করে খাবে, সেদিকে ধ্যান রেখে যাতে ফায়ার সেফটি মেজারটা মেনটেন করা হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে মেলাটাকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ে শেষ করুন। ধন্যবাদ। মেলা মা উপস্থিত হনুভাইকা আমরা কালচিনি ব্লকা পঞ্চায়েত সমিতি চেয়ারম্যান শ্রীমতী অরুণা দিদিলাই মুড়ি ধন্যবাদ টাকা চাহু সাথে জিপি ওয়ানকা নবনিযুক্ত আমার রোশন দাজু উহলা আমি ধন্যবাদ टक्राउन चाहन्छौँ। डिसेम्बर महिनामा लगाएको चाहिँ किन भन्दाखेरि यो लकडाउन पश्चात मान्छेहरू विभिन्न जग्गामा लकडाउनमा काम गर्नु गएको थियो र यो भुटान गेट पनि बन्द थियो, योभन्दा अघि पनि मेला लागेको थियो तर उहाँहरूको बर्खाको कारण बारिसको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अलिक सफल नभएको जस्तो हामीलाई महसुस हुँदाखेरि हाम्रो डाँडाको युवा सङ्घको साथीभाइहरूले एउटा सरसल्लाह गरेर डिसेम्बर महिनामा ठन्डा महिनामा भुटान गेट खोलेको बादमा जति पनि हाम्रो भुटानभित्र हाम्रो साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो इष्टमित्रहरू हुनुहुन्छ र लगायत जयगाउँमा पनि हाम्रो विभिन्न जग्गा जानु काम गर्नु जानुभएका दाजुभाइहरू पनि अहिले फर्केर आउनु भएको छ, सबैको एउटा मिलन समारोह जस्तो हो यो। त्यही भएर हामी आशा गर्छौँ कमिटीको जति पनि दाजुभाइहरूलाई हजुरहरूले कृपया गरेर मेला राम्रोसँग सञ्चालन गरिदिनुहोस्, यस मेलालाई तपाईँहरूले सक्सेसफुल बनाउनुहुन्छ भनेर म आशा राख्दछु र जति पनि हाम्रो मेला कमिटीको प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी र जति पनि युथ केटाहरू हुनुहुन्छ, यहाँ जति पनि दिदीहरू, यहाँ हाम्रो दाजुहरू जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ सबैलाई हामी के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले यो जुन चाहिँ 20 दिनको मेला छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले सबैले मिलेर राम्रोसँग सञ्चालन गरिदिनु भयो भने एकदमै राम्रो हुने थियो, किनभने विभिन्न प्रकारको दुर्घटनाहरू हुन जान्छ, त्यस्तो दुर्घटनाहरू केही नभइदियोस् हामी हाम्रो पुलिस प्रशासनलाई पनि हामीले जनाएको छौँ, उहाँहरूलाई पनि हामीले च्याम्बरहरू बनाइदिएको छ, कुनै पनि तपाईँहरूलाई प्रकारको घटना भएमा उहाँहरूलाई जनाउने, हाम्रो कुनै पनि नराम्रो घटनाहरू भएमा हाम्रो फायर ब्रिगेडहरू हुनुहुन्छ र विभिन्न प्रकारको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्टहरू हुनुहुन्छ सबैले
आफ्नो आफ्नो काम निभाएर यस मेलालाई सक्सेस गरिदिनुहोस् भन्दै र हाम्रो जति पनि यस जयगाउँ भेगमा बसोबासो गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी साथै भुटानको हाम्रो इष्टमित्रहरूलाई हामी यस मेलामा सबैलाई न्यौता दिन चाहन्छु र सबैलाई बोलाएर यस मेलालाई सक्सेस गरिदिने भन्ने म यो आह्वान टक्राउन चाहन्छु र मेरो यो दुई शब्द म यहीँ टुङ्गाउँदै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। आप सभी को सूचित किया जाता है कि वेदव्यास नेपाली हाई स्कूल चैरिटेबल ट्रस्ट जय गांव में आगामी सत्र 2023 के लिए जनवरी से कक्षा 5 से 9 तक की भर्ती खुल रहा है और अति हर्ष की बात है कि हिंदी भाषी बच्चों के लिए आगामी सत्र से प्रथम भाषा हिंदी भी शुरू किया जा रहा है। इस स्कूल में सुलभ मूल्य में कक्षा 5 से 12 तक की पढ़ाई बेहतरीन शिक्षकों के द्वारा दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी संचालित की जाती है। संपर्क करें 9547964523।